रीवा में स्कूल के लिए निकली दो नाबालिग छात्राओं का लापता हो जाने के 10 दिन बाद भी कोई पता नहीं चला है। छात्राओं की तलाश में परिजन भटक रहे हैं। आखिरी बार इन छात्राओं को शहर के सराफा बाजार में भटकते हुए देखा गया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। दरअसल रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली दो छात्राएं रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। यह दोनों ही छात्राएं सगी बहन बताई गई है। घटना की शिकायत दर्ज होने के बाद अब पुलिस दोनों बहनों की तलाश कर रही है, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों के मुताबिक उनकी दो बेटियां लापता हैं, जिनमें एक की उम्र 15 साल है जबकि दूसरी 6 साल की मासूम बच्ची है। जानकारी के मुताबिक 14 नवंबर के दिन दोनों बहनें पांडेन टोला स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंची। शाम तक इंतजार करने के बाद जब बच्चियां घर वापस नहीं आई तो घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। फिलहाल ये दोनों ही बच्चियां अस्पताल चौराहा निवासी हैं, जो हमेशा की तरह स्कूल के लिए गई हुई थी। इस संबंध में शिकायत दर्ज होने के बाद जब पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला तो आखिरी बार दोनों बच्चियां सराफा बाजार में देखी गई थी। परिजनों ने बताया कि घटना दिनांक को बच्चियां ऑटो में सवार होकर सराफा बाजार से निकली थीं। इसके बाद उनका पता नहीं चल रहा है। फिलहाल परिजन बच्चियों की तलाश में भटक रहे हैं और पुलिस भी उनकी तलाश कर रही है। मोहम्मद कलीम, ये आपकी बच्चियां, दो बच्चियां गुम हुई है, कैसे गुम हुई, कहां गई थी? ये 12-13 दिन हो गए हैं, स्कूल के लिए निकली थी तो स्कूल भी नहीं पहुंची और न घर ही पहुंची। इसकी शिकायत की आपने? हमने शिकायत कर दी सिटी कोतवाली में। क्या क्या पता चला अभी तक? तो उनने बताया कि सराफा मार्केट में देखी थी, सराफा मार्केट से निकली है तो वो बैटरी वाली ऑटो में बैठी हैं, रेलवे के लिए निकली हैं। अब रेलवे के बाद सूचना नहीं मिल पा रही कि कहाँ कुछ निकली है। तो अभी तक आपको पता नहीं चला? अभी तक हमको कोई पता नहीं चला। ये कहीं रिश्तेदारी में या कहीं हम रिश्तेदारी पूरी जगह पता कर लिए। कई कई साल की हैं आपकी बच्चियाँ? 15 साल की, 6 साल की। दोनों एक साथ निकली थी? हाँ, दोनों एक साथ, स्कूल ड्रेस पहनी है बड़ी वाली बच्ची। तो आप यहाँ थाने में पता किए कुछ अभी तक? नहीं, थाने गए थे हम लोग, थाने में कहते अभी जांच चल रही है, जैसे मिल जाएगी आपको सूचना दीजिए। किसी के ऊपर आशंका है कि कोई नहीं किसी के साथ गए? नहीं, दोनों बहन एक साथ में देखा गया सराफा मार्केट में, वीडियो में कैमरे में चेक किया गया।